मजाक कृष्ण, आज अब तक जो मैंने वीडियो आपको पढ़ाई है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम अगले वीडियो जो है जो हम आज की वीडियो उसको शुरू करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मैट्रिमोनियल का विज्ञापन लिखना सीखा है, जिसे हम वैवाहिक कहते हैं, उसकी वीडियो आपको उपलब्ध है, आपने देख ली होगी। उसके बाद हमने सेल परचेज का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट का पढ़ा था, उसकी वीडियो भी आपने देख ली होगी। तीसरा हमने पढ़ा था एकोमोडेशन, और इसके अंतर्गत हमने आपको दो वीडियो आपके लिए डाली हैं, जिसमें पहली वीडियो थी एकोमोडेशन वांटेड और अवेलेबल के लिए, जब आप मकान, दुकान, फ्लैट आदि खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए। और लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी ऑन रेंट और टू लेट, जब हम मकान, दुकान, फ्लैट आदि किराए पर देने या किराए पर लेने के लिए विज्ञापन लिखते हैं तो ये टाइटल लिखते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट में आप ये तीन प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जॉब वैकेंसी। क्या कहते हैं? जॉब वैकेंसी। और जॉब वैकेंसी जो है, इस प्रकार के विज्ञापन जो हैं वो निम्न दो प्रकार के शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करवाए जाते हैं। आप हेडिंग डालेंगे जॉब वैकेंसी, जॉब वैकेंसी का वैसे होता है नौकरी, या आप हेडिंग डालेंगे उसमें आप लिखेंगे कि ऐसे विज्ञापन जो नौकरी तलाश करने के लिए या खाली पदों पर भर्ती करने के लिए दिए जाते हैं वो जॉब वैकेंसी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के विज्ञापनों को हम दो शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित करवाते हैं, जिसमें पहला शीर्षक है सिचुएशन वैकेंट या फिर वॉक इन इंटरव्यू। इसका अर्थ होता है जब किसी खाली पद पर भर्ती करनी हो, जब किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी कोई पद खाली है जिस पर कोई पार्टिकुलर जो है पदाधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉई, उसकी भर्ती करनी होती है, तो उसके लिए हम विज्ञापन देते हैं, तो उस विज्ञापन का हम टाइटल लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट या फिर वॉक इन इंटरव्यू। तो पहला जो होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट, दोबारा सुन लीजिए, किसी खाली पद पर भर्ती करने के लिए। और दूसरा जो इसका टाइटल होगा वो होगा सिचुएशन वांटेड। और इस प्रकार के विज्ञापन, इस शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन उस समय प्रकाशित करवाए जाते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो है वो अपने लिए कहीं नौकरी तलाश करता है और नौकरी तलाश करने के लिए वो विज्ञापन प्रकाशित करवाता है, तो वो उस विज्ञापन का टाइटल होता है सिचुएशन वांटेड। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है नौकरी ढूंढ रहा है, अब उस व्यक्ति को नौकरी ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी वेबसाइट है नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन हमें ये भी पढ़ना है कि उसके लिए हम विज्ञापन भी लिख सकते हैं। तो हमें तो यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें तो विज्ञापन ही लिखना सीखना है, तो हमें विज्ञापन लिखना है। तो वो विज्ञापन हम किस लिए लिखेंगे? जब हम खुद के लिए नौकरी तलाश करेंगे। तो जब नौकरी तलाश करनी हो तो विज्ञापन का टाइटल लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, और जब किसी संस्थान के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा, किसी और प्रतिष्ठान के द्वारा किसी खाली पद पर भर्ती निकाली जाती है, जिसे हम भर्ती की विज्ञप्ति भी कह सकते हैं, तो वो निकाली जाती है, तो उसका टाइटल होता है सिचुएशन वैकेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सिचुएशन वैकेंट। तो सबसे पहले हम सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ सिचुएशन वैकेंट। टाइटल आप सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हैं और टाइटल आप वॉक इन इंटरव्यू भी लिख सकते हैं, कि डायरेक्ट हम साक्षात्कार ले रहे हैं, साक्षात्कार के लिए बुला रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि ये संस्थान है वो इतनी डेट को इस स्थान पर इस पद के लिए इंटरव्यू करा रहा है, तो टाइटल होगा वॉक इन इंटरव्यू। चाहे तो आप सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हैं। तो और इसके अलावा और विज्ञापन देना है खाली पद पर, कि ये खाली पद है, इस संस्थान में ये योग्यताएं हैं इसके लिए, और इस पर आवेदन करने की ये तारीख है, और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप टाइटल लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट।
बहरहाल सिचुएशन वैकेंट आप किसी भी परिस्थिति में लिख सकते हैं, लेकिन वोकन इंटरव्यू केवल उसी समय लिखेंगे जब केवल डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए विज्ञापन लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, तो आप वोकन इंटरव्यू के चक्कर में ही ना पड़ें, आप डायरेक्ट लिखें सिचुएशन वैकेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आता है वोकन इंटरव्यू, तो आपको वोकन इंटरव्यू लिख देना है। तो अब देखिए इसमें लिखना क्या है, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, जिस पद पर भर्ती करनी है उस पद का नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि SBI बैंक है, SBI बैंक अजमेर, इस बैंक में क्लर्क का पद खाली है। अब उस क्लर्क के पद के लिए हमें विज्ञापन लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड ए क्लर्क। यहाँ पे उस पद का नाम लिखेंगे जिस पर भर्ती करनी है, तो वो पद कौन सा हो जाएगा, क्लर्क। उसके बाद क्लर्क पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं आवश्यक हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लिख दिया ग्रेजुएट, तो शैक्षणिक योग्यता हो गई ग्रेजुएट। उसके बाद व्यावसायिक योग्यताएँ, कि ऐसी योग्यताएं जो विशेष व्यावसायिक उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें व्यावसायिक योग्यताएं कहते हैं, तो व्यावसायिक योग्यताएं कौन सी चाहिए वो व्यावसायिक योग्यताएं लिख देंगे। जैसे मान के चलिए क्लर्क के लिए लिख दिया कि उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर में ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि ये व्यावसायिक उद्देश्य से की जाती हैं ये डिग्रियाँ, ये डिप्लोमा जो है, तो वो व्यावसायिक योग्यताओं में आते हैं। उसके बाद अन्य वांछित योग्यताएं, उस क्लर्क में जो हम अन्य रिक्वायर्ड, वांछित का मतलब होता है आवश्यक, जो अन्य आवश्यक योग्यताएं चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, कि जैसे वो उसको हिंदी इंग्लिश बोलना आता हो अच्छी तरीके से, उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो भी हम उसके अंदर विशेषताएं वांछित योग्यताएं चाहते हैं उनको लिख देंगे। उसके बाद उसकी आयु लिख देंगे कि उसकी आयु हमें कितनी चाहिए, कि कितने से कितने के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। मान के चलिए जैसे लिख दिया कि 18 से 35, तो ये आयु हो गई, या और भी लिख सकते हैं कि मिनिमम इतने से या मैक्सिमम इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो किसी भी तरीके से आप यहाँ आयु लिख देंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस, कितना वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए वो लिख देंगे, मिनिमम 2 years 4 years जो भी चाहिए। उसके बाद अन्य सेवा शर्तें, अगर नौकरी के लिए कुछ अन्य भी कंडीशंस हैं, इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, कि ये कंडीशंस और हैं नौकरी करने के लिए, तो वो भी हम इसमें लिख देंगे, अगर कोई नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल का अर्थ होता है योग्य, कि वो अभ्यर्थी, कैंडिडेट का मतलब होता है अभ्यर्थी या आवेदन करने वाले, आवेदनकर्ता, जो इन सेवाओं को, सेवा शर्तों को, इन शैक्षणिक योग्यताओं को, इन व्यावसायिक योग्यताओं को, इन अन्य योग्यताओं को, इस आयु को, इस वर्किंग एक्सपीरियंस को, इन सारी शर्तों को पूरा करता है, वो कैसा कैंडिडेट होगा इस पद के लिए, वो इस क्लर्क के पद के लिए एलिजिबल योग्य कैंडिडेट होगा। तो जितने भी ऐसे योग्य कैंडिडेट हैं वो क्या करें, अप्लाई विद बायोडाटा, वो बायोडाटा के साथ आवेदन करें। टू, द पदाधिकारी का पदनाम, जिस संस्थान के द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है उस संस्थान में कौन से पदाधिकारी को आपको अपना आवेदन भेजना है, उस अधिकारी का यहाँ पे पद नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैनेजर को भेजना था क्लर्क के पद के लिए आवेदन, तो हम यहाँ पदाधिकारी का पदनाम क्या लिखेंगे, मैनेजर, और उसके कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान चलिए SBI बैंक अजमेर, तो हमने लिख दिया SBI बैंक और उसका एड्रेस लिख दिया अजमेर और बाई, और यहाँ पे एक डेट लिख देंगे कि इस तिथि तक आप भेज सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको और अलग से समझना है, कि मान के चलिए कि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए लिखना है एडवर्टाइजमेंट, तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्या करें जो है वो डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे इस लाइन को इस तरीके से, एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे,
वॉक इन इंटरव्यू, अगर हमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए लिखना होता तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है इसको हटा देंगे, या तो इस तरीके से लिख देंगे पदाधिकारी के ऑफिस का नाम लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे वॉक इन इंटरव्यू टू, कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे, बिटवीन समय लिख देंगे और दिनांक और तिथि लिख देंगे, सॉरी दिन और तिथि लिख देंगे। जैसे मान के चलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो कार्यालय का नाम और पता, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा के इसकी जगह क्या लिखेंगे देखिए, एक बार मैं इसको आपको अलग से भी बता दूंगा, अभी यहीं देख लीजिए, कार्यालय का नाम और पता यहाँ तक आगे हम वॉक इन इंटरव्यू के लिए लिख रहे थे, अब आगे लिखेंगे ऑन मंडे, जैसे मान के चलिए कि दिन लिख दिया, तिथि लिखेंगे हमने लिख दी 27 December 2020 एट 9 AM टू 11 AM। तो ये हो गया हमारा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अभी देखिए इस लाइन को मैं आपके लिए अलग बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है अभ्यर्थियों को तो ये लाइन अलग से मैं आपको एक साथ लिख के बता रहा हूँ, एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू टू या फिर इन लिख देंगे, इन यहाँ भी इन लिख देंगे, टू भी लिख सकते हैं, कार्यालय का नाम व पता, मान के चलिए कार्यालय का नाम था SBI बैंक और पता है अजमेर, तो कार्यालय का नाम और पते की जगह हमने लिख दिया SBI बैंक अजमेर। तो ये लाइन किस तरह से पढ़ी जाएगी, एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू इन SBI बैंक अजमेर, और उसके बाद लिखना है ऑन दिन व दिनांक एट समय, और ये लाइन हमारी बन गई। जब हम कैंडिडेट से आवेदन नहीं मांग रहे हैं, हम डायरेक्ट उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं और उसके लिए हम विज्ञापन दे रहे हैं, तो ये वाली लाइन होगी, और अदरवाइज़ हम उनसे अप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ टाइटल हमने वैकेंट ही लिखा हुआ है और हम उनको इंटरव्यू में भी नहीं बुला रहे हैं, उनसे आवेदन करवा रहे हैं, तो हमारी ये लाइन लिखी हुई है, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई विद बायोडाटा टू द पदाधिकारी का पदनाम, कार्यालय का नाम व पता बाई आवेदन की अंतिम तिथि, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो इसमें भी लिखना है इसमें भी लिखना है, और ईमेल आईडी भी आप इसमें लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट। अब आप इसको चाहे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, या फिर आप वीडियो को पोज करें और बड़ी आसानी से आप उसे अपने रजिस्टर में नोट कर लें, और इसके बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आपको लाइव सॉल्यूशन करके बताऊंगा। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन लिख रहा है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ KVR इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, आप प्रिंसिपल हैं, कोई स्कूल है KVR इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, इसके
अब आगे क्या कह रहा है, यू नीड टू रिक्रूट, रिक्रूट का अर्थ होता है भर्ती करना, आपको भर्ती करने की आवश्यकता है ए लेक्चरर, एक लेक्चरर की फॉर फिजिक्स, जो क्या पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा, भौतिक विज्ञान पढ़ाएगा, भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले व्याख्याता के भर्ती करने की आपको आवश्यकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि आप प्रिंसिपल हैं KVR इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली के, आपको फिजिक्स का लेक्चरर भर्ती करना है आपके स्कूल में। आगे क्या कह रहा है, गिविंग ऑल इसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियाँ देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए टू गेट इट पब्लिश इन द लोकल डेली, जिसे स्थानीय अखबार के, जो दैनिक स्थानीय अखबार है उसमें प्रकाशित करवाना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप प्रिंसिपल हैं, एज ए प्रिंसिपल आपको मानना है कि यू आर ए प्रिंसिपल, आपको विज्ञापन देना है फिजिक्स के लेक्चरर की भर्ती करने के लिए, तो आपका टाइटल सिचुएशन वैकेंट ही होगा, सिचुएशन वांटेड तो नहीं होगा, तो हमने टाइटल लिख दिया सिचुएशन वैकेंट। उसके बाद हम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं, हमने इसको सॉल्यूशन करना है, तो हमने लिखा रिक्वायर्ड, उसके बाद उस पद का नाम लिखना है जिसके लिए, जिस पर भर्ती करनी है, तो पद का नाम है ए लेक्चरर फॉर फिजिक्स, ये पद का नाम हो गया। उसके बाद हमें लिखना था शैक्षणिक योग्यताएं, ये हमारी शैक्षणिक योग्यताएं हो गई BSc MSc, फिजिक्स पढ़ाने के लिए BSc भी होना चाहिए और MSc भी होना चाहिए, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में BEd, और लिख दिया बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, BEd तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो पढ़ाने के व्यावसायिक उद्देश्य से की जाती है, तो BEd भी होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी उसे होना चाहिए। आगे हमें हमारे क्वेश्चन में लिखना था अन्य विशेषताएं, अब अन्य विशेषताओं में हम क्या लिख रहे हैं, देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी वार्तालाप करने का कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना, वार्तालाप करना, संवाद करना, और स्किल्स माने कौशल, टीचर ऐसा हो जो बोलने में बहुत अच्छा हो, अच्छे कौशल हो उसके पास बोलने के, संवाद करने का अच्छा कौशल हो, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अर्थ होता है धारा प्रवाह, ये अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, कि वो विद्यार्थी, वो कैंडिडेट जो हम चाहते हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, वो हिंदी बोलना भी जानता हो और अंग्रेजी बोलना भी जानता हो, और अटक अटक के नहीं, धारा प्रवाह हिंदी इंग्लिश बोलना जानता हो। अगली हमने अन्य विशेषता लिख दी उसकी, प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वो अच्छा खुश मिजाज दिखने वाला, फ्रेंडली व्यवहार वाला दिखने वाला, एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो। उसके बाद हमें लिखना है वर्किंग एक्सपीरियंस, हमने फॉर्मेट में आयु पहले लिखी थी, वर्किंग एक्सपीरियंस बाद में लिखा था, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, आप उसको बाद में लिख सकते हैं, मैंने बाद में लिखा हुआ है, वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया मिनिमम 5 ईयर्स, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रहा, ये हम अपनी तरफ से ही लिख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को लिखने से पहले जो है हम रफ वर्क कर लेंगे जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई छूटेगा नहीं, कुछ काटना नहीं पड़ेगा। तो हमने मिनिमम 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया। उसके बाद एज लिख रही है, देखिए एज नॉट एक्सीड 35, एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना, कि 34 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, उस अध्यापक की, उस लेक्चरर की आयु जो है वो 34 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 34 से अधिक। उसके आगे अन्य सेवा शर्तें लिखी हुई थी हमारे फॉर्मेट में, आप देख लेंगे उसमें अन्य सेवा शर्तें लिखी हुई है, तो अन्य सेवा शर्तों में हमने सैलरी लिख दी, कि सैलरी कितने देंगे, 50,000 PM का मतलब है पर मंथ एंड निगोशिएबल, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं उसकी योग्यता को देख के, ये फिक्स नहीं है, मिनिमम 50,000 है। उसके बाद ये हमें लिखना है एलिजिबल कैंडिडेट्स, योग्य अभ्यर्थी अप्लाई विद बायोडाटा, वो बायोडाटा सहित आवेदन करें टू द प्रिंसिपल, पदाधिकारी का पदनाम, क्योंकि प्रिंसिपल ही विज्ञापन दे रहा है, तो इस प्रिंसिपल को आवेदन करना है, उसके कार्यालय का नाम KVR इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली।
ये उसके कार्यालय का नाम हो गया और एड्रेस हो गया, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया ये लिख दिया, ईमेल आईडी हो गया ये हमने ईमेल आईडी लिख दिया। तो ये आपका सिचुएशन वैकेंट का एक क्वेश्चन, ये उसका सॉल्यूशन आपके फॉर्मेट के अनुसार। और इसी तरीके से आपके लिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करके देखना है। अगर वॉक इन इंटरव्यू का लिखना होता तो मैंने आपको एक लाइन लिख के बताई थी फॉर्मेट के साथ साथ, उस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। और अगर वॉक इन इंटरव्यू में भी आप इस तरीके से लिख देंगे तो इसको थोड़ा सा जैसे यहीं पे चेंज भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी आप यही सीख लीजिए, किसी को कोई समस्या आए तो वो कमेंट करके पूछ लेना, फिर मैं और बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के वॉक इन इंटरव्यू वाले के लिए इस लाइन को लिखने में। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपियर इन इंटरव्यू बिफोर द प्रिंसिपल KVR इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, और हमने उसमें लिख दिया ऑन, दिनांक लिख दिया, दिन लिख दिया, दिनांक लिख दिया और समय लिख दिया। और इसमें हमें अभी एक चीज़ रह गई हमसे जो हम लिख रहे हैं, और वो है बाई, और हमने एक डेट लिख दी 24 नवंबर, शॉर्ट में लिख दिया 2020, ये लास्ट डेट है आवेदन की। आप चाहें तो इसमें कहीं भी बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, लास्ट डेट भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख दें तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन और ये इसका आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके देखना है, ये आज के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उसको समझ लीजिए ठीक से। यू आर द HR मैनेजर, HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधक। HPCL प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा, ये कोई फर्म है, कंपनी है, कोई संस्थान है, HPCL प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस है भीलवाड़ा का। आप इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं। अब चाह क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है यू नीड ए ब्यूटीफुल एंड यंग, आपको एक सुंदर और नौजवान चाहिए क्या, फीमेल रिसेप्शनिस्ट, महिला स्वागत करता। देखिए जब हम बड़े बड़े ऑफिसों में जाते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जाते हैं, तो वहाँ हमें दो ऑफिस दिखते हैं, एक ऑफिस होता है और एक रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन, रिसेप्शन का हिंदी अर्थ होता है स्वागत, और उस रिसेप्शन पे जो बैठा रहता है वो होता है रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शन पे फीमेल को ही अपॉइंट किया जाता है। और ये प्रथा आई है पश्चिम से, वेस्टर्न कंट्रीज से, ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति का ये बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लगातार उनको फॉलो करते जा रहे हैं तो ये हमारे देश में भी आ गया है। तो वही उसको आवश्यकता है कि वो महिला जो है वो सुंदर होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, और उसको हमें चाहिए वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में, जो हमारा रिसेप्शन है उस पर हम उसको अपॉइंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली, जिसे लोकल डेली में दैनिक जो स्थानीय अखबार है उसमें प्रकाशित करवाना है। अब देखिए इसमें ना उस महिला की शैक्षणिक योग्यताएँ लिखी हुई हैं, ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, ना उसकी सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, ना उसकी आयु के बारे में लिखा हुआ है, हालांकि लिख रहा है कि यंग हो। तो आप ये सारी विशेषताएं जो हैं आपको अपनी इमेजिन करके लिखनी है। कैसे लिखनी है कि पहले हम जो है एक रफ वर्क करेंगे, एक रफ में हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या लिखना है इसमें। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बस ग्रेजुएट हो, ये शैक्षणिक योग्यता लिख लेंगे रफ में पहले। फिर उसके लिए प्रोफेशनल योग्यता, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके लिए अन्य विशेषताओं में वो ब्यूटीफुल हो, यंग हो, फीमेल हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, ये सारी बातें लिख देंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, हिंदी इंग्लिश में एफ्लुएंट हो, और फिर वर्किंग एक्सपीरियंस, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। एज लिख देंगे कि वो यंग हो, तो एज लिख देंगे नॉट एक्सीड 30। सैलरी लिख देंगे, और रिसेप्शनिस्ट को 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, 15 लिख देंगे और ज़्यादा करेंगे तो, और बाकी इसी तरीके से आप इसको कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा।